और वहीं कोरिया में दुग्ध वितरण योजना में खामियां सामने आ रही हैं। जिले के मनेंद्रगढ़ विकासखंड में लालपुर में दूध पीने के बाद एक बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजनों ने बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों ने कहा कि बच्ची तो दूध की उल्टियां शुरू कर दी हैं, साथ ही मुंह से भी झाग निकलने लगा है। जिसके बाद शिक्षकों से बात की गई तो पता चला कि स्कूल में 12 पैकेट दूध आता है, जिसमें से कुछ दूध खराब हो गया था। वहीं मामले में आला अधिकारियों ने कहा कि स्कूल में जाकर दूध की जांच की जाएगी, उसके बाद ही आगे की जांच की जाएगी। बड़ी बहन बता रही थी कि दूध में बहुत सारा खराब हो गया रहा, तो फेंक दिए उसको, गड्ढा खोल के गाड़ दिए। एक दवा में 2-3 आधा किलो का है, 2-3 खराब हुआ है, या कोई जो है जैसे खोलते हैं तो खराब दिखता है तो उसको नहीं पिलाते हैं। बस शिकायत नहीं किए हैं अभी, ये तो दिखाएंगे अधिकारियों को, बताएंगे अभी उसको दिखाएंगे। ये नई योजना है शासन का, और जो भी कमियां होंगी उसको ठीक करने के लिए फीडबैक भेजेंगे कलेक्टर महोदय के माध्यम से। हम शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि जाके देखें बच्चे की स्थिति, महिला बाल विकास विभाग वाले को भी बोले हैं जाके देख लें, और थोड़ी देर में हम खुद जाके देखेंगे कि दूध के खराब होने के कारण है या कभी कभी दूध से कुछ बच्चों को एलर्जी भी रहता है तो ऐसा कोई मैटर है क्या, देख लेते हैं और उसका समुचित इलाज की व्यवस्था करेंगे। अभी BMO से बात।